ध्यान रखना है आपको। अगर आप नियत धारणाओं में पक्के हैं तो ऑफर कीजिए सामने से, ये सेवा हमें दीजिए, हम करेंगे इसे, ठीक है ना। और उसमें फिर बल जो हमारी बहने निमित्त है उनकी हाँ या ना का इंतजार कीजिए। अगर वो हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो भी शर्मा ठीक, क्योंकि ये दो गुनी बहनों के हाथ से बनता है। आज मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूं जिनके त्याग और तपस्या की कहानी भगवान की डायरी में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। जिन्हें आप ये सफेद वस्त्रधारी देखते हो ना, ये बहुत सम्मान के, बहुत रिस्पेक्ट के काबिल हैं। इन जैसा त्याग, इन जैसी तपस्या ना तो किसी ने की है ना कोई कर सकता है। जब खेलने खाने की उम्र थी, जब सजने सजाने की उम्र थी, जब शोक श्रृंगार की उम्र थी, तब इन्होंने अपना सारा घर संसार त्याग दिया। छोटी छोटी सी उम्र में सारे रंग छोड़कर केवल सफेद रंग को धारण कर लिया, अपना घर संसार त्याग कर भगवान को अपना संसार बना लिया। ऐसी हमारी बहनें जो रोते हुए उनके पास आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, जो भटकते हुए आते हैं और राह लेकर जाते हैं, जो प्रभु मिलन करा रही हैं, जो उसके बिछड़े लाल उससे मिला रही हैं, ऐसी पवित्र बहनों के हाथों से जिसका यादगार काम धेनु है, जिसका यादगार पूर्णा है, उनके हाथों से ये प्रभु प्रसाद बनता है। ये ब्रह्मचारिणी बहने प्रभु प्रेम में मगन होकर उस भोग को बनाती है, और जब झूम के ये भोग बनाती है तो इसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलती है। देवता ये विचरण करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे नसीब में 56 प्रकार के भोग तो हैं, परंतु ये ब्रह्मा भोजन हमारे नसीब में नहीं है, तरसते हैं वो इसके लिए। वो कहते काश ये ब्रह्मा भोजन भी हमारे नसीब में होता, परंतु ये केवल आपके नसीब में है, देवताओं के लिए नहीं है। तो एक बार अपने लिए ताली तो बजा।